आपको स्क्रीन पे मंगलाचरण दिख रहा होगा, इसका पहला दोहा पढ़ के अपन क्लास प्रारंभ करते हैं। जी तीर्थं कर को कर नमन, नमन रूप निज धार, ओ समव शरण वर्णन नमन करूं दिव्य ध्वनि अनुसार। अनुसार। समव शरणम, नाम तो बहुत सुनते हैं कि यह समव शरण है क्या। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो भगवान का एक विशाल समव शरण लगता है, और हमें भी आश्चर्य होता है कि कैसा समव शरण होता होगा। आखिर केवल ज्ञान होने पे ऐसा क्या अतिशय प्रकट होता है, क्या वो अंदर धारण करते हैं जिसके कारण जो कुबेर होते हैं वो समव शरण की रचना करते हैं, और वो रचना भी कैसी होती है उसका पूरा स्वरूप आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रारंभ से चर्चा करेंगे अपन, सबको म्यूट और कर दीजिए। हाँ अपन प्रारंभ से चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक विषय स्पष्ट होगा। अगर आपको फिर भी कोई स्पष्ट ना हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा, हम आपसे संघर्ष समाधान भी करेंगे। ठीक है, प्रारंभ करते हैं अपन समव शरण का विषय। मान लीजिए हम आदिनाथ भगवान की धर्म नगरी में गए हैं। उस धर्म नगरी में आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। जैसे ही आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही कुबेर ने अपने अवधि ज्ञान से जाना, और इंद्र आदि जो वहां पे रहते हैं सभी ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अरे तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो जैसे ही उन्होंने, उनको पता कैसे चला जो इंद्र आदि थे कि इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो हर एक को अलग अलग संकेत मिलते हैं। जैसे किसी को संकेत मिलता है कि उनका सिंहासन कंपाए में थव रहा है, किसी घंटियां बज रही हैं, किसी के यहाँ शंख की ध्वनि हो रही है, मतलब हर एक को अलग अलग प्रकार से ऐसा संकेत मिलता है कि तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और इसकी सूचना इंद्रादिक को मिली, तो वे उनको नमस्कार करते हैं। अब आप सोचेंगे कि नमस्कार कैसे करेंगे, वे तो ऊपर हैं और तीर्थंकर देव नीचे हैं, तो नमस्कार कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे तीर्थंकर देव हैं, ठीक है, ये तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, और ये हमारे दूसरे इंद्र हैं, और ये इंद्र यहाँ पे अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। जैसे ही इन इंद्र को पता चलेगा कि तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, वैसे ही ये जो इंद्र हैं, ये इंद्र अपने सिंहासन से खड़े होंगे। ठीक है, सिंहासन जो उनका होता है, आसन होता है, उस सिंहासन से अपने स्थान से खड़े होंगे, और जैसे इस दिशा में भगवान है तो इस दिशा में 7 पैर आगे आएंगे। कितने? 7 कदम आगे आके वहां पर ढोक देके तीर्थंकर देव को नमस्कार करेंगे। आपने अनेक ग्रंथों में या मुनिचर्या का जब प्रकरण आता है तब भी ऐसा सुना होगा कि जो मुनिराज होते हैं वो अपने 7 कदम आगे चल के उन तीर्थंकर देव को नमस्कार करते हैं। अनेक प्रकार से आपने ऐसा सुना होगा, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। जैसे ही तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही जो इंद्रादिक होते हैं वे इंद्रादिक अपने स्थान से खड़े होते हैं, और जिस दिशा में तीर्थंकर देव स्थित होते हैं उस दिशा में 7 पैर ऐसे आगे जाके वहां पे जाके तीर्थंकर देव को नमस्कार करते हैं। फिर इंद्र कुबेर को आज्ञा देते हैं। किसको आज्ञा देते हैं? कुबेर को। इंद्र कुबेर को आज्ञा देते हैं, जाओ तुम भगवान के समव शरण की रचना करो। कैसे, जो इतना विशाल समव शरण है, बहुत अद्भुत होना चाहिए, ऐसे समव शरण की जाके रचना करो। और जो ये कुबेर होते हैं, ये कुबेर इंद्र की सभा में लोकपाल होते हैं। जैसे अपना राजा होता है ना, राजा के मंत्रीगण लोकपाल आदि होते हैं, वैसे जो इंद्र की सभा होती है, इंद्र की सभा में ये जो कुबेर हैं ये लोकपाल होते हैं, और ये कुबेर अगले भव में नियम से मोक्ष जाने वाले हैं। जैसे इंद्र भी होता है अगले भव में नियम से मोक्ष जाएगा, वैसे कुबेर भी अगले भव में नियम से मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो ऐसे कुबेर समव शरण की रचना करने के लिए आते हैं। तो रचना कैसे करते हैं? तो उनके पास एक पृथक विक्रिया होती है। क्या? पृथक विक्रिया। आपने रक्षाबंधन पर्व के संबंध में एक ऐसा सुना होगा कि विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे फैला के देखा, वो छोटे से बामनिया के भेष में थे, तो उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया। जैसे उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर लिया, एक तो ये पृथक विक्रिया होती है, और एक विक्रिया ऐसी होती है कि
एक शरीर यहाँ पे है तो सेम टू सेम दूसरा शरीर बना लिया, सेम टू सेम तीसरा शरीर बना लिया, या सेम टू सेम ना कहें तो थोड़ा बदल बदल के अलग अलग शरीर बना लिया, इसको एक विक्रिया कहते हैं। तो जो कुबेर होते हैं वे कुबेर अपनी पृथक विक्रिया से समोषण की रचना करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कुबेर हैं, ठीक है, कुबेर का मूल शरीर तो देवगति में है, कहां पर है, मूल शरीर तो देवगति में है। अब इन्होंने अपनी पृथक विक्रिया से एक और रचना बनाई जिसको अपन समोषण नाम देते हैं। किससे रचना बनाई है, अपनी पृथक विक्रिया से इन्होंने ये समोषण नामक रचना को निर्मित किया अर्थात बनाया है। अब ये रचना कैसी होती है, हमारे दिमाग में एक ऐसा ख्याल में आता है कि ये रचना एक के ऊपर एक होती होगी। कैसी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पृथ्वी है, एक के ऊपर एक पृथ्वी है, वैसी ये रचना होती होगी। और हमने समा जो पंचकल्याण वगैरह होते हैं उनमें देखा भी ऐसे ही है कि समोषण की रचना कैसी होती है, तो एक के ऊपर एक होती है। ये देखिए, अब तक हमें ऐसा लगता था कि समोषण ऐसा होता है क्या, पहली पृथ्वी के ऊपर दूसरी पृथ्वी, जैसे अपनी बिल्डिंग होती है ना, पहली बिल्डिंग, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, ऐसे एक के ऊपर एक भूमियां होती होंगी। तो ऐसा नहीं है, भूमियां कैसी होती है, एक के अंदर एक होती है। कैसे, जैसे एक मंजिल होती है तो एक मंजिल में हमारा एक दीवार होती है, फिर एक कमरा होता है, फिर उस कमरे के आखिरी में दीवार होती है, फिर उसके आगे एक और कमरा होता है। तो ऐसे ही करके ये समोषण की भूमियां हैं। आप सोच रहे होंगे भूमियां क्या होती हैं या कैसी होती हैं, उन सबको अभी हम आगे चल के देखेंगे, पर अभी सामान्य रूप से आप इतना समझिए कि ये जो भूमियां होती हैं ये एक के ऊपर एक नहीं होती अपितु एक के अंदर एक होती हैं। जैसे आपने ढाई द्वीप का या जम्बू द्वीप का आकार सुना होगा कि कैसा होता है कि एक द्वीप होता है, फिर उसके आजू बाजू एक समुद्र होता है, फिर एक द्वीप होता है, फिर समुद्र होता है। वैसे ही समोषण की रचना होती है कि एक दीवार है, फिर उसके अंदर एक भूमि है, फिर दीवार है, फिर उसके अंदर एक भूमि है। ठीक है, ये एक के ऊपर एक रचना नहीं होती है, सबसे पहला ये। दूसरा पॉइंट ये है, आज तक हमने ऐसा सुना है कि जो समोषण होता है वो जमीन से 5000 धनुष ऊपर होता है। क्या, जमीन से 5000 धनुष ऊपर होता है, तो इसका मतलब क्या है 5000 धनुष का ऊपर। चलिए मैं आपको वैसे ही समझा देता हूं। देखिए, वैसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि जो समोषण होता है वो समोषण पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर होता है, पर वास्तव में जो समोषण होता है वो पृथ्वी से मात्र एक हाथ ऊपर होता है। कितना, एक हाथ। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते करना, क्योंकि आपको बहुत ऐसा नया विषय मिलने वाला है जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, और उसको सुन के बहुत आनंद भी आने वाला है, बहुत मजा भी आएगा कि ऐसा समोषण होता है जो हमने आज तक सुना नहीं था। तो चलिए देखिए, जैसे हमारे पास ये पेन है, आपको सभी को पेन दिख रहा है, हाँ, इसका एक नीचे का पॉइंट है, एक ऊपर का पॉइंट है, ठीक है, एक नीचे का भाग है, एक ऊपर का भाग है, और ये मेरा हाथ है। अब मैंने आपसे पूछा ये पेन मेरे हाथ से कितना ऊपर है, तो आप इसके दो उत्तर दे सकते हैं। एक क्या, एक तो इस हाइट को देख के दे सकते हैं उत्तर, और दूसरा उत्तर दे सकते हैं इस हाइट को देखकर। ठीक है, मान लीजिए एक फीट ऊपर है ये वाली हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट मेरे हाथ से एक फीट ऊपर है, तो आप कह देंगे कि ये समोषण मेरे हाथ से एक फीट ऊपर है पेन। ठीक है, अगर आप इस वाली हाइट को देखेंगे और ये हाइट मान लीजिए 5 फीट ऊपर है, तो आप कह देंगे कि ये पेन मेरे हाथ से 5 फीट ऊपर है। वैसे ही समोषण है कि समोषण की जो भूमि है, समोषण की जो भूमि है वो भूमि पृथ्वी से एक हाथ ऊपर है, और कितनी मोटी है, तो 5000 धनुष मोटी है। जैसे हम सभी को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम प्रोजेक्ट को एक थर्माकोल की शीट पे बनाते हैं, आपने देखा होगा कि आपने भी बनाए होंगे थर्माकोल की शीट पे प्रोजेक्ट वगैरह। तो जैसे थर्माकोल की अपने पास शीट है, तो शीट होती है इतनी मोटी, उसकी भी दो हाइट हो जाती है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली।
तो जितनी भी रचनाएं हैं अपन जो भी चीजें बनाते हैं वो ऊपर वाले बेस पे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे थर्माकोल की सीट मोटी होती है वैसे ही ये समवशरणिक भूमि होती है वो भी वैसी ही मोटी होती है, जैसे अपने पास थर्माकोल का बेस रहता है ना बनाने के लिए, वैसी ही ये समवशरण की भूमि रहती है। ये भूमि 5000 धनुष मोटी रहती है, कितनी? 5000 धनुष मोटी। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, पीपीटी भी दिखा दूंगा, उससे भी आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर भी आप ऐसे समझिए कि जो थर्माकोल की शीट जैसे बेस होता है और वो जितनी मोटी होती है, वैसे ही समवशरण की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं एक बेस के ऊपर बनी हुई हैं, और वो बेस कितना है? 5000 धनुष मोटा है। अब देखिए 5000 धनुष मोटा है मतलब इतना मोटा है। अब इसके दो भाग हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और ये जो नीचे वाला भाग है ना, ये वाला भाग पृथ्वी से मात्र एक हाथ ऊंचा है। कितना? एक हाथ। अब आप कहेंगे एक हाथ मतलब ये पूरा एक हाथ? नहीं, एक हाथ मतलब यहां से लेके यहां तक, ये एक हाथ इतना, मतलब पृथ्वी ये है तो पृथ्वी से इतना ऊंचा यहाँ पे समवशरण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी से समवशरण की जो भूमि ये बेस है ये एक हाथ ऊपर है, और इस बेस से ये जो बेस है ये बेस 5000 धनुष मोटा है। कितना? ये जो बेस है ये बेस 5000 धनुष मोटा है, और इसके ऊपर वो समोषण की सारी रचनाएं बनी हुई हैं। इस बेस के ऊपर समोषण की सारी रचनाएं बनी हुई हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो समोषण कहाँ पर है, तो समोषण 5000 धनुष ऊपर है, तो हम उसमें ये बेस को भी गिन लेते हैं। पर वास्तव में अगर अपन देखें बेस सही समोषण पृथ्वी से एक हाथ ऊंचा है, ठीक है साहब। इतना आ गया होगा आप सभी को समझ, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, थोड़ी कल्पनाएं ऐसी करके देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसा समवशरण है, अब 5000 धनुष भैया ऊपर है, हम इतना बड़ा समवशरण चढ़ के कैसे जाएंगे? क्या वहां पे लिफ्ट लगी होंगी या कोई सीढ़ियां होंगी? है तो वहां पे सीढ़ियां, पर वो लिफ्ट से भी अच्छा काम करती हैं। तो कैसी सीढ़ियां हैं उनको भी देखते हैं हम। समोषण का सामान्य अर्थ आपको समर जी बता चुके हैं कल, उसके आगे से देखते हैं अपन। ये देखिए जो मैंने आपको बताया अब तक, कि अब तक हमारे दिमाग में क्या इमेजिन था कि समोषण ऐसा होता है। आपको ये यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक पतला सा बेस है और यहाँ पे जमीन से 5000 धनुष ऐसा ऊपर होता होगा समोषण। अब तक अपन ऐसी कल्पना करते थे, परंतु समोषण कैसा है तो ये देखिए, समोषण ऐसा है कि कैसा है कि ये इतना मोटा बेस है समोषण का, और ये जो बेस है ये यहाँ पे आपको 5000 धनुष मोटा दिख रहा है, इतना मोटा ये बेस है, और ये बेस पृथ्वी से कितना ऊपर है, तो पृथ्वी से मात्र एक हाथ ऊंचा ये बेस है, और ये जो आपको ऊपर वाला बेस दिख रहा है ये वाला बेस, इस बेस के ऊपर वो सारी रचनाएं बनी हुई हैं। अभी हमें इस बेस तक पहुंचना है, पर भैया पहुंचे कैसे हैं? क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पर एकदम पृथ्वी पे और हमें यहां तक जाना है, तो जाएं कैसे? बहुत कठिन लगता है हमें जाना, तो देखते हैं आखिर हम पहुंच कैसे सकते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है समोषण में पहुंचना, क्योंकि हमें पूरी सुविधा मिली है कि समोषण में कैसे पहुंच सकते हैं। समोषण में पहुंचने के लिए हमारे लिए कुबेर ने 20,000 सीढ़ियां बनाई हैं। कितनी? 20,000। हम तो घर पे देखते हैं कि 2, 3, 4, 10, 15 इतनी सीढ़ियां होती हैं, पर ये समोषण जाने तक हमें 20,000 सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। कैसी हैं ये सीढ़ियां, तो उनको भी देख लेते हैं, कितनी छोटी हैं, कितनी बड़ी हैं, कैसी होती हैं।
आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है, आ रही है। हाँ तो ये जो अपने पास सीढ़ियां होती हैं, ये सीढ़ियां 20,000 होती हैं, और ये एक जो सीढ़ी होती है वो लंबी कितनी होती है, अर्थात अपन कहें एक कोने से दूसरे कोने तक कितनी लंबी होती है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक ये एक योजन लंबी होती है। आप कहेंगे भैया एक योजन, ये तो पुराने जमाने की भाषा हो गई, जरा आप हमें अपने जमाने की भाषा में बताइए कि कितनी लंबी होती होंगी ये। तो 13 किलोमीटर, लगभग कितनी, 13 किलोमीटर लंबी ये सीढ़ियां होती हैं। अब आप अनुमान कीजिए, अकेला कल्पना कीजिए कि क्या विशाल समोषण दिखता होगा, कैसा अद्भुत दिखता होगा, जिसमें हम अनेक बार गए हैं, वैसे समोषण में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी ये सीढ़ियां 20,000 होती हैं और एक योजन लंबी होती हैं और एक एक हाथ ऊंची होती है। ऐसी सीढ़ियों पर देव, मनुष्य और त्रियंश, तीन जीव जाते हैं। कौन? देव, मनुष्य और त्रियंश। नर की जीव इन सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ पे मनुष्य लोक में आ ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पे देव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और त्रियंश रहते हैं, तीन जीव रहते हैं, इसलिए तीनों जीव इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं। क्या उनको एक एक सीढ़ियां चढ़ के जाने पड़ती होंगी ऊपर? नहीं, एक एक सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं है उन्हें, तो मात्र वो एक आध दो सीढ़ियां चढ़ते हैं और समोषण का ऐसा अतिशय होता है कि वे अपने आप अंतर्मुहूर्त में ऊपर पहुंच जाते हैं। आपको लगता होगा कि जो एस्केलेटर होते हैं अपने पास, जैसे मॉल वगैरह में सीढ़ियां होती हैं, वैसी सीढ़ियां चलती होंगी। वह समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि एस्केलेटर के समान ये सीढ़ियां होती हैं, परंतु ये सीढ़ियां तो एक जगह स्थित होती हैं, पर ऐसा अतिशय रहता है कुबेर का, या कहें तीर्थंकर देव का, या जैसा भी अतिशय है, ऐसा अतिशय रहता है कि हम अंतर्मुहूर्त में अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं। अब हम सीढ़ियों से तो ऊपर पहुंच गए, क्या अभी तो हम एकदम जमीन पे खड़े थे और जमीन से एक हाथ ऊपर से समोषण शुरू हुआ और 5,000 धनुष तक था, तो हम 5,000 धनुष ऊपर कैसे पहुंचे? हेलीकॉप्टर से किससे पहुंचे? तो किसी की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने 20,000 सीढ़ियां थी, हम उन 20,000 सीढ़ियों को अंतर्मुहूर्त में आराम से पार कर लेते हैं। जैसे ही हमने 20,000 सीढ़ियां पार की, तो हमारे सामने एक विशाल दरवाजा आता है जिसे हम गेट कह सकते हैं, और आगम की भाषा में कहें तो जिसे गोपुर द्वार कहते हैं। क्या? एक विशाल दरवाजा आता है, क्योंकि एंट्री कर रहे हैं भैया, दरवाजा तो चाहिए हमें, बिना दरवाजे के एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक विशाल मुझे लगता है अपना ज्ञानवर्णीय कर्म का अंतराय अधिक है। हाँ अभी आ रहा है आवाज। हाँ बार बार बीच में कट रहा है, कोई बात नहीं। तो हम समोषण में तो पहुंच ही गए हैं, पर समोषण में पहुंचने में भी बहुत पुण्य का उदय चाहिए, वो हमारा है, इसलिए हम वहां तक पहुंच गए हैं। हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पहुंचेंगे आखिर भगवान कहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, और वहां तक पहुंचने में हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो ये ही मुश्किल है कि हम दरवाजे को पार कैसे करें, क्योंकि दरवाजा ही इतना खतरनाक है। खतरनाक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर तो मतलब एक पिलर के अंदर तीन तीन नाट्यशालाएं हैं, मतलब तीन मंजिल वाली नाट्यशालाएं हैं। तो और वो नाट्यशालाएं भी कितनी बड़ी बड़ी होंगी अपन अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी बड़ी वो नाट्यशालाएं हैं। और ऐसे द्वार को हमने जैसे तैसे पार किया, ठीक है, ऐसे द्वार को हमने जैसे तैसे पार किया,
इसमें भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, हर एक चीज को यहाँ पे अभी स्पष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि एक चीज को स्पष्ट करेंगे तो मुझे लगता है एक क्लास पूरे इस द्वार के वर्णन में ही चले जाएगी। इसलिए सामान्य रूप से अपन आठ भूमियों को देखते हैं और आठवीं भूमि में पहुंचते हैं जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है। ऐसे हमने बहुत बड़े विशाल गोपुर द्वार, इसको तोरण द्वार भी कहते हैं, इसी गोपुर द्वार को हमने पार किया। इस गोपुर द्वार को पार करने के बाद ये आपको महावीथि दिख रही है, ये महावीथि है। महावीथि मतलब एक गली, बहुत बड़ा हाईवे, ऐसा ये हाईवे निकलता है जो सीधी भगवान की गंधकुटी पे जाके मिलता है, इतना बड़ा ये हाईवे है। अगर कोई पुरुषार्थी जीव होगा तो वो सीधे हाईवे पे चल के भगवान की गंधकुटी पे पहुंच सकता है, परंतु अगर कोई अल्प पुरुषार्थी है तो वो आजू बाजू भटक जाएगा। तो चलो हम अपने आप को महान पुरुषार्थी तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी जैसे तैसे पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हम थोड़ा भटक चुके हैं। कहाँ भटक चुके हैं, हमने थोड़ा बाजू में देखा कि बाजू में हमको एक दीवार दिखाई दे रही है, क्योंकि गेट कहाँ पे होंगे, गेट दीवार में ही होंगे, हवा में तो हो नहीं सकते हैं, ना ही खाली स्पेस में हो सकते हैं। तो ऐसे ये गेट ये दीवार में बने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे दीवार दिख रही है। ये दीवारें दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की दीवारें होती हैं। एक दीवार को कहते हैं कोट और दूसरी दीवार को कहते हैं वेदी। क्या, दोबारा से बोलता हूं, एक दीवार को कहते हैं कोट और दूसरी दीवार को कहते हैं वेदी। आप कहेंगे भैया कोट और वेदी क्या है, वेदी तो हमने आज तक सुना है कि जिसपे भगवान विराजमान होते हैं उसको वेदी कहते हैं, उसको वेदी भले ही कहते हो, यहाँ पे वेदी का मतलब दीवार लेना और कोट भी दीवार है। अब इस कोट और वेदी में अंतर क्या होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये दोनों विभाजन करने का ही काम करते हैं, फिर भी कोट एक साइड से टेढ़ा होता है। टेढ़ा कैसे होता है, देखिए आपके सामने चित्र है, जो अपनी दीवारें होती है वो दीवारें कैसी होती है, अंदर से भी एकदम सीधी होती हैं और बाहर से भी एकदम सीधी होती हैं। देखिए जो अपनी दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, अंदर से भी ऐसी सीधी होती हैं और बाहर से भी ऐसी सीधी होती हैं। तो जो दोनों साइड से ऐसी सीधी हो, दोनों साइड से ऐसी सीधी हो, उसे कहते हैं वेदी। क्या, जो दोनों साइड से ऐसी सीधी हो ऊपर से भी प्लेन हो, ठीक है, मतलब ऐसी ऊपर से प्लेन हो और दोनों साइड से सीधी हो, उन्हें कहते हैं वेदी। ऐसी दीवार वेदी कहलाती है। कोट किसे कहना, तो कोट देखिए जो एक साइड से तो ऐसा सीधा हो, ठीक है, एक साइड से तो सीधा है पर दूसरी साइड से ऐसा टेढ़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा स्लेंट हो। आई आपको बात समझ में, जो बाहर से सीधा और अंदर से ऐसा टेढ़ा हो और ऊपर ऊपर क्या हो, तो ऐसे कंगूरे बने हुए हो, ये आपको यहाँ पे कंगूरे दिख रहे हैं, और जिसके ऊपर ऐसे कंगूरे बने हुए हों उसे कोट कहते हैं। बहुत आसान है, अंतर ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा अंतर है बस, जो वेदी होती है अपने अपने सामने वो ऐसी सीधी होती है और जो कोट होता है वो ऐसा टेढ़ा होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है, जो वेदी होती है ऊपर से एकदम प्लेन होती है और जो कोट होता है वो ऊपर से ऐसे कंगूरों वाला होता है। जैसे अपन महल वगैरह देखते हैं तो महल पे वो कंगूरे वगैरह लगे रहते हैं, तो वैसे ही कोट पे कंगूरे बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोट होता है और वेदी होती है, ये सारे भूमि का विभाजन करने में काम आते हैं। भूमि का विभाजन कैसे करेंगे, हाँ अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, है ना, तो अपन उसको वहीं पे समझते हुए चलेंगे। अब देखिए हमारे घर में भी जो दीवारें होती हैं वो दीवार काम क्या करती हैं, कि जो एक रूम है और दूसरा रूम है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वो दीवार हम लगाते हैं, कि ये जो दो रूम है ये दो रूम अलग अलग दिखाई दें। अगर इन दोनों रूमों को हमें एक बनाना हो तो हम बीच की दीवार को हटा देंगे तो दो रूम एक रूम हो जाएगा। वैसे ही इस समव शरण में ये भूमियां होती हैं, तो उन भूमियों को विभाजित करने के लिए दीवारें होती हैं, अर्थात कोट और वेदी होते हैं। कहीं पर कोट है कहीं पे वेदी है, तो इन दोनों के बीच में एक एक भूमि आते जाती है और फिर एक कोट, फिर एक भूमि, फिर एक वेदी, फिर एक भूमि, ऐसे क्रम से चलता जाता है। इसे हम समझने के लिए ऐसा कहें तो सबसे पहले दीवार है, फिर एक भूमि है, फिर दीवार है, फिर भूमि है, फिर दीवार है, फिर भूमि है,
इस प्रकार से ये चलता रहता है। मतलब भूमि के ऊपर कंगूर नहीं रहते हैं। हाँ, भूमि के ऊपर कंगूरे नहीं। ये देखिए आपके सामने भूमि आ गई है, पहली भूमि। ये अभी हमने जिस चीज की चर्चा की है वो आपको ये पीछे पीली पीली दिख रही है दीवार, ये पीली पीली वाली दीवार, ये दीवार है, ठीक है। अमन जी आपने आपको म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कीजिए आप। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, आप तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि जैसे हमारे यहाँ एक दीवार होती है, गुफा कहें अपन, तो जमीन होती है और आजू बाजू तो दीवारें होती हैं, तो वैसे ये अपनी भूमिया है, जमीन है, उसको हम भूमि कह देते हैं और जो आजू बाजू की दीवार है उन्हें कोट और वेदी कह देते हैं। तो जो पहली जमीन है अर्थात पहले कोट और वेदी के बीच में जो हिस्सा है, खाली हिस्सा, और जो भूमि है या जमीन है उसको हम भूमि कह देते हैं। वो भूमि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। देखिए भूमि भी बड़ी गजब की होती है, हमें तो लगता है कि अकेला यहाँ पे मनोरंजन करने की चीजें होती होंगी, पर पहली भूमि में ही हमें चैत्यालय मिलते हैं जिनमें हम भगवान का दर्शन वगैरह करते हैं। ऐसे चैत्यालय में ये पहली भूमि में क्या होता है, तो देखिए पांच ये आपको भवन दिख रहे हैं, एक देखिए एक भवन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा यहाँ पर है और पांचवा यहाँ पर है। ये पांच प्रकार के भवन हो गए और इसके बाद एक ये चैत्यालय आता है। क्या ये चैत्यालय आता है? इसमें जिन प्रतिमा रखी रहती हैं, जिनके जो जीव या समोषण में आते हैं वो इनके दर्शन आदि करते हैं और उससे लाभ लेते हैं। तो ऐसी ये पहली चैत्य प्रासाद भूमि है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। अब प्रवेश कहाँ से करेंगे, तो देखिए द्वार है, ये एक ऐसा द्वार है, इस द्वार में से हमने प्रवेश किया और ये पूरी हमने भूमि को घूमा और घूमने के बाद ये दूसरी साइड से निकल गए, ठीक है। ऐसी ही भूमि चारों साइड होती है, मतलब एक साइड हमने देखी, ऐसी ही चारों दिशाओं में आप कल्पना कीजिएगा कि चारों भी दिशाओं में ऐसी भूमि होती है और जो चार दिशाएं होती हैं, अर्थात चार दिशाओं में मैंने आपको बताया तो बड़ा बड़ा हाईवे होता है, महावीथी होती है, जो चारों दिशाओं में वैसी महावीथी होती है अर्थात हाईवे होते हैं और एकदम सेंटर में भगवान की गंध कुटी रहती है जिसपे भगवान विराजमान रहते हैं। अपन बहुत मुश्किल से उस हाईवे पे निकलने की कोशिश की थी तो हम इस पहली चैत्य प्रासाद भूमि में घुस गए। जैसे ही हम दूसरे द्वार से निकले वैसे ही हमारे सामने क्या आ गया, तो देखा एक विशाल सा बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा हुआ है और उस स्तंभ को हमने देखा, इस स्तंभ का नाम है मान स्तंभ। ये आपको यहाँ पे मान स्तंभ दिख रहा है, तो ऐसा ये बहुत बड़ा मान स्तंभ रहता है। इस मान स्तंभ का स्थान क्या है, तो जो पहली भूमि है और द्वार है उसके सामने ये मान स्तंभ स्थित रहता है, ठीक है। पहली भूमि के बाजू में और जो द्वार है उस द्वार के सामने ये मान स्तंभ स्थित रहता है। ऐसे मान स्तंभ के भी हमने दर्शन किए और उसका लाभ भी लिया। फिर हम सीधे चलते जाएंगे तो महावीथी में अब ये जो हमारी समोषण हम चलते जा रहे हैं उसमें अनेक जगह कोट आते हैं, विधि आती हैं, अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक चीजें आती हैं, उन सबको पार करते हुए हम आगे बढ़े।
चलिए मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ कि जैसे हम मान स्तंभ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, समोषण में, हमने देखा, आप ऐसे ही समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और स्पष्ट भी होगा, ठीक है। ये हमारे सामने द्वार था, ठीक साहब, इस द्वार में से हम निकल के आए, इस द्वार के सामने एक महावीथि थी जिसको हमने हाईवे कहा था, ठीक है। उस हाईवे के यहाँ पे देखिए ऐसे एक वेदी है, एक भूमि है, फिर वेदी है, फिर भूमि है, फिर वेदी है, फिर भूमि है, ऐसे निकलते जाता है चारों साइड से, ठीक है। ऐसे ही इस साइड वो जो कोट है ना, कोट ऐसा गोल है पूरा, तो जैसे एक महावीथि ऐसी है, एक महावीथि ऐसी हो जाएगी, फिर एक महावीथि ऐसी हो जाएगी, फिर एक महावीथि ऐसी हो जाएगी, मतलब चारों दिशाओं में एक एक महावीथि है, और उस महावीथि के ऐसे ऐसे गोल गोल को दीवार है, फिर एक गोल भूमि है, फिर एक गोल दीवार है, फिर एक गोल भूमि है, ऐसे दीवार भूमि, दीवार भूमि चलती जाती है। तो अब हमने ये हमारे सामने यहाँ पे गेट था, उस गेट को पार किया, पार करते सामने हमने बहुत बड़ी हाईवे देखा, ठीक है, महावीथि देखी। इस महावीथि के एकदम शुरू में जैसे हमने गेट को पार किया ना, गेट को पार करने के बाद एकदम उसके आगे हमें मान स्तंभ देखने को मिला, और वो मान स्तंभ कहाँ पे था, तो यहाँ पे जो पहली भूमि निकल रही है ना, इस महावीथि के, इस महाभूमि मतलब जो पहली भूमि है, इस भूमि के बाजू में और गेट के सामने, ठीक है, पहली भूमि के बाजू में और गेट के सामने महावीथि के अंदर ये मान स्तंभ स्थित है। ऐसे ही हम जैसे आगे बढ़ते गए तो हमें यहाँ पे दूसरी दीवार दिखाई दी, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते गए तो दूसरी दीवार के आगे हमें एक भूमि दिखाई दी जिसको हमने दूसरी भूमि कह दिया, फिर और हम आगे बढ़े तो हमें एक दीवार दिखाई दी, फिर और आगे बढ़े तो उसके बाद हमें तीसरी भूमि दिखाई दी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते गए, चौथी भूमि, पांचवी भूमि, छठवीं भूमि, सातवीं भूमि, हमने सात भूमि तक पहुंच गए हैं। अब देखिये सातवीं भूमि में जैसे हम पहुंचे ना, तो सातवीं भूमि के बाजू में भी जैसे हमने मान स्तंभ देखा ना, तो वैसे ही सातवीं भूमि के बाजू में वहां पे स्तूप रहते हैं। स्तूप अकेला हमने बौद्धों के स्तूप सुने हैं, पर हमारे भी स्तूप होते हैं। इतिहास भी इस बात को कहता है कि अनेक जो विद्वान हुए उन्होंने ऐसा सिद्ध भी किया है कि हमारे यहाँ भी स्तूप होते हैं, और वो स्तूप पर कोई मानने को तैयार नहीं होता कि जैनों के भी स्तूप होते हैं। ये देखिए अब आपको इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये अपना द्वार था, ये अपना द्वार था, ठीक है। ये हो गई अपनी पहली भूमि, यह है दूसरी भूमि, यह है तीसरी भूमि, यह है चौथी भूमि, यह है पांचवी, यह है छठवी, यह है सातवीं, और इसके बाद ये अपन आठवीं में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पहली भूमि ये पूरी ऐसे जाती है, देखिए पहली भूमि का हिस्सा है ना ये पूरा, तो इस पहली भूमि के हिस्से में और महावीथि के एकदम बीच में यहाँ पे ये मान स्तंभ रहता है। कहाँ पे? ये हमारे यहाँ पे ये मान स्तंभ हमने देखा। अब इस महावीथि में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आगे पहुंच गए। आगे पहुंचने के बाद ये जो आपको डॉट दिख रही है ये आगे सातवीं भूमि, ये देखिए आप ऐसा पूरा कवर कर लीजिए, तो ये सातवीं भूमि का हिस्सा है। तो इस भूमि में ये नौ स्तूप रहते हैं, ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये डॉट, ये नौ स्तूप हैं। ये नौ स्तूप कैसे रहते हैं? जैसा अपना सुमेरु पर्वत रहता है ना, सुमेरु पर्वत मतलब ऐसा अपना सुमेरु पर्वत रहता है, तो ऐसे ये स्तूप रहते हैं। और इन स्तूपों की विशेषता क्या है? इन स्तूपों में हमें तीन लोक की रचना दिखाई देती है। आप सोचो कि हम स्वर्ग में गए नहीं है, फिर भी मनुष्य में रहते रहते, मनुष्य लोक में रहते रहते हम उस स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ग के नहीं ग्रहिवेक तक के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ तक ही नहीं उसके ऊपर भी जो सर्वार सिद्धियां सिद्ध शिला है सबके दर्शन इस स्तूपों में हो जाते हैं। नौ स्तूप हैं, हर एक में अलग अलग चीज के दर्शन होते हैं, मतलब संपूर्ण तीन लोक के दर्शन, मानो कि 3D में हम कोई पिक्चर देख रहे हों,
ऐसा इन स्तूपों के अंदर लगता है ये स्तूप यहाँ पे हो गए हैं। इन स्तूपों में से आपको आखिरी स्तूप का नाम याद करना है, कौन सा? नौवां स्तूप। मतलब ये जो सबसे आगे वाला स्तूप है ना, ये सबसे आगे वाला स्तूप, इस आखिरी वाले स्तूप का नाम है भव्य कूट स्तूप। क्या नाम है उसका? भव्य कूट स्तूप। आप कहेंगे इसका नाम अलग से याद क्यों कराया? देखिए, ये हमारा टिकट काउंटर है। कैसा टिकट काउंटर है कि यदि हमें इस आठवीं भूमि के अंदर प्रवेश करना है, देखिए आठवीं भूमि को मैं पूरा कवर कर देता हूं, ये अपनी आठवीं भूमि हो गई, ठीक है। अब इस आठवीं भूमि के अंदर मुझे प्रवेश करना है तो भैया टिकट तो चाहिए पड़ेगा, क्योंकि हर कोई तो वहां पे जा नहीं सकता है। तो हमें टिकट कहां से मिलेगा? तो टिकट मिलेगा इस नौवे स्तूप में। इस नौवे स्तूप का नाम क्या है? तो भव्य कूट स्तूप। भव्य कूट स्तूप। क्या इस नौवे स्तूप का नाम? भव्य कूट स्तूप। इस स्तूप में हमें टिकट मिलने वाला है। भैया कैसा टिकट मिलेगा? पेपर का मिलेगा या पुराने जमाने में जैसे सोने वगैरह के पत्र चलते थे वैसा टिकट मिलेगा? कैसा टिकट मिलेगा? टिकट मात्र इतना है कि जिसने इस टिकट घर को देख लिया, मतलब जिसने इस स्तूप को देख लिया, इस भव्य कूट स्तूप को जिसने देख लिया, वो इस आठवीं भूमि में प्रवेश कर सकता है। आपको आई बात समझ में? मतलब टिकट का मिलना क्या है? मात्र इतना है कि जिसने इस आठ नौवे स्तूप को देख लिया, उस नौवे स्तूप को देखने वाला जीव इस आठवीं भूमि में प्रवेश कर सकता है। और इस स्तूप के दर्शन या अकेला देख कौन सकता है? तो देखने वाला मात्र भव्य जीव हो सकता है। तो इस स्तूप के जिस जो दर्शन करेगा वो भव्य होगा, और भव्य ही इस आठवीं भूमि में प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई अभव्य जीव है और उस अभव्य जीव ने इस नौवे स्तूप का दर्शन कर लिया तो अंधा हो जाएगा, मतलब वो इस नौवे स्तूप का दर्शन कर ही नहीं सकता है। और जो इस नौवे स्तूप का दर्शन नहीं कर सकता वो आगे आठवीं भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकता है, अर्थात वहां पे जा भी नहीं सकता है, ठीक है। चलो भैया इतनी तो बात आ गई समझ में। क्या है ये कि नौवे स्तूप में ये टिकट घर है, हमें जो भी इस टिकट घर को अर्थात भव्य कूट स्तूप को देख लेगा वो आगे आठवीं भूमि में प्रवेश कर सकता है। चलो भाई, हम मानते हैं कि हम सभी भव्य हैं और हमें वो टिकट मिल गया है। टिकट मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? अंदर जाएंगे और अंदर का लाभ उठाएंगे कि वहां पे कैसी कैसी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को देखेंगे और अंदर हमें दर्शन कौन देने वाला, उनके दर्शन करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो चलो चलते हैं। हम सभी ने टिकट ले लिया भव्य कूट स्तूप से और आठवीं भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं। आठवीं भूमि के अंदर सबसे पहले हम महाबीति से जाएंगे, अर्थात ये जो अपन ने भाग बनाया था, ये इतना भाग भी आठवीं भूमि के अंदर है। तो सबसे पहले हम इस आठवीं भूमि में यहाँ पे चल के यहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? अभी बाजू में नहीं घुसेंगे। ये जो आपको नीला नीला एरिया दिख रहा है ना, ये जो नीला नीला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे 12 सभाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 12 सभाएं होती हैं। अभी अपन यहाँ पे 12 सभाओं में नहीं जाएंगे। अभी हम यहाँ पर आए और यहाँ पे अभी महावीथी में जाएंगे, और महावीथी में जाने के बाद ये जो आपको गंधकुटी दिख रही है ना, गंधकुटी पे जाएंगे हम सबसे पहले। फिर गंधकुटी पे जाने के बाद हम इन सभाओं में आएंगे। कैसे? गंधकुटी पे गए, फिर अपनी सभा में आके बैठ गए। यहां से ऐसी गंधकुटी पे गए, गंधकुटी की पहली पीठ पे ऐसी परिक्रमा लगाई अपन ने, 3 परिक्रमा लगाई, फिर अपनी अपनी सभा में आके बैठ जाएंगे। परिक्रमा लगा के ऐसी अपनी अपनी सभा में आके बैठ जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम पहली पीठ पे जा चुके हैं, फिर उसके बाद हम परिक्रमा लगा के बैठने वाले हैं। अभी अपन उसको भी चित्र के माध्यम से देख लेंगे कि परिक्रमा कहाँ पे लगानी है, पर सामान्य रूप से अभी आप इतना समझे कि अभी हमने यहाँ पे गए और इस गंतकुटी की जो बाहर की बाउंड्री है, या अपन कहें सीढ़ी टाइप की वेदी है या पीठ है, उस पर हमने ऐसी 3 परिक्रमा लगाई, और यदि हम मुनिराज हुए तो इस पहली सभा में आके बैठ जाएंगे। यदि हम देव हुए तो इसमें आके बैठ जाएंगे, आरिका हुई तो इसमें आके बैठ जाएंगे, ये देवी हुई तो इनमें आके बैठ जाएंगे, ऐसे। तो देखिए इनमें ऐसी 2-2 दीवारें खड़ी रहती हैं, दिख रही हैं आपको दीवारें?
जैसे यहाँ पे आपको दो दीवारें दिख रही हैं, दो दीवार खींचने से तीन पार्टीशन हो गए हैं। यहाँ पे मैंने दो दीवारें खींची तो यहाँ पे तीन पार्टीशन हो गए, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन पार्टीशन हो गए। तो ये तीन पार्टीशन मतलब तीन सभाएं। ऐसे ही यहां पर भी दो दीवारें यहां पर हैं तो एक दो तीन, तीन पार्टीशन यहां पे हो गए। दो दीवारें यहां पर हैं तो तीन पार्टीशन यहां पे हो गए। ऐसे ही दो दीवारें यहां पर हैं और तीन पार्टीशन यहां पे हो गए। अपन टोटल करें तीन तीन छह, तीन नौ और तीन बारह, ठीक है। तो इस प्रकार ये बारह सभाएं हो जाती हैं। और दीवार कितनी होंगी आप सोच रहे होंगे, आठ होंगी, आठ नहीं होंगी, सोलह होंगी। देखिए सोलह कैसे होंगी, दो तो ये हो गई लाल लाइन वाली, दो ये हो गई, दो ये हो गई, दो ये हो गई, दो ये हो गई। अब देखिए आठ और लानी अपन को, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। मान लो कि अगर ये दीवार ना हो तो इंसान क्या करेगा, इंसान आएगा और गंदकुटी पे जाएगा ही नहीं, वो तो सीधा यहाँ पे आके बैठ जाएगा अगर ये दीवार ना हो। इसलिए यहाँ पे भी दीवार है और इनके बीच में ऐसी दो दीवार है और ये पूरी पैक है। तो घुसेंगे कैसे हम अपनी सभाओं में, जाएंगे कैसे, क्योंकि ये जो दीवार है ये तो पूरी पैक है, इनमें तो दरवाजा है नहीं, और ये जो बीच की दीवार है उनमें भी दरवाजा नहीं है और ना यहाँ पे दरवाजा है, तो हम अपनी सभा में जाएंगे कैसे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले गंदकुटी पे जाना पड़ेगा। ये जो गंदकुटी होती है, इस गंदकुटी पे हम सबसे पहली जो पीठ होती है उस पीठ पर हम तीन परिक्रमा लगाते हैं। कितनी, तीन परिक्रमा लगाते हैं। आपने भी सुना होगा कि भैया परिक्रमा तो लगाते हैं हम, पर हमें अब तक ये नहीं पता कि परिक्रमा क्यों लगाते हैं, परिक्रमा लगाने का कारण क्या है। तो परिक्रमा तीन इसलिए लगाते हैं, तीन होता है बहुवचन का सूचक। किसका सूचक होता है तीन, तीन होता है बहुवचन का, मतलब बहुत बार हमने ये काम कर लिया है। तो तीन बार परिक्रमा लगा दी मतलब हमने भगवान को चारों साइड से बहुत बार देख लिया है, भगवान के बहुत बार दर्शन कर लिए हैं और मन भर के भगवान के दर्शन हमने कर लिए हैं। तीन बार का मतलब ये होता है। ये देखिए, ये अपने सामने गंदकुटी आ गई है। ये जो अपन ने देखा था ना वहां पे वीथी है, वीथी मतलब यहां से ये ऐसा जो भाग जा रहा था ना, वो आपने व्हाइट कलर का देखा होगा, वो वीथी थी। उस वीथी में से चल के आए हम, हमने ये आठ सीढ़ियां चढ़ी, इनको चढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो बहुत छोटी छोटी होती है, हमको पता भी नहीं चलेगा आठ सीढ़ी कब चढ़ ली हमने, और आराम से चढ़ सकते हैं। इन सीढ़ियों को हमने चढ़ा और चढ़ने के बाद ये आपको हरी कलर की पीठ दिख रही है, और ये हरी कलर के पीठ के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इन चीजों में जो सबसे बीच में आपको ये दिख रहा है, ये होता है धर्म चक्र। जो सबसे बीच में आपको दिख रहा है ये धर्म चक्र होता है, और व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनमें से एक यक्षेंद्र होते हैं। वो यक्षेंद्र अपने सिर के ऊपर ऐसे इस चक्र को रखे रहते हैं, ठीक है। और इसके आजू बाजू ये आपको अष्टमंगल द्रव्य दिख रहे होंगे, ये अष्टमंगल द्रव्य रहते हैं। अब परिक्रमा कहाँ पे लगाएंगे भैया, पीठ पे चढ़ तो गए हैं हम, तो परिक्रमा लगाने का स्थान है ये। ये आपको हरा हरा दिख रहा है ना, ये पूरा हरा हरा, जितनी भी ये जगह चलने वाली दिख रही है हरी हरी, इसके ऊपर तीन परिक्रमा लगाते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल, क्योंकि गोल होता है पूरा, ऐसे गोल गोल करके तीन परिक्रमा लगाते हैं। अब आप कहेंगे भगवान का मुंह तो हमारी साइड होता होगा, तो भगवान देखो चारों साइड होते हैं इसलिए परिक्रमा लगाता है। क्यों, भगवान का मुंह इस साइड भी है और चारों साइड मतलब दसों दिशाओं में होता है, चार दिशाओं में नहीं दसों दिशाओं में। मतलब जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा ना इस हिस्से में, तो इसको लगेगा कि भगवान एकदम मेरे सामने है, मतलब मेरे सामने मुंह करे हुए हैं। अगर वो यहाँ पर है तो उसको लगेगा कि एकदम मेरे सामने है, मतलब मुंह एकदम मेरे सामने है। यहाँ पर है तो ये एकदम मुंह मेरे सामने है, इसलिए चारों साइड कहें या दसों दिशाएं कहें, दसों दिशाओं में भगवान का चेहरा दिखता है। चलिए अब जल्दी से हम अपनी सभा में आके बैठ जाते हैं, फिर गंदकुटी का प्रकरण आगे देखेंगे अपन।
अभी का समय भी अपना हो गया है, ठीक है, अपनी सभा में आके बैठ जाते हैं, जिससे अगली बार हमें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। चलो, हमने तीन ये परिक्रमा यहाँ पे लगा ली हैं। यहाँ पे हमने इस पे तीन परिक्रमा लगा ली हैं और पूरा भगवान को मन भर के देख लिया है। भगवान की मूरत कैसी है, पूरी मन भर के हमने उनकी मूरत को देख लिया है। अब ये जो है ना, देखिए यहां से यहां तक तो ये वो महाबीथी जा रही थी, आप अपन ने देखा था ना, वो सफेद से कलर की वो महाबीथी जा रही थी। अब इसके बाजू में यहाँ पर जो नीले कलर का अपन ने वहां पे बॉक्स देखा था, वो नीले कलर यहाँ पे होता है, ऐसा बॉक्स वो यहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बैठने का स्थान होता है। पर हम जाए कैसे, इस स्थान तक हम पहुंच कैसे सकते हैं, तो इस स्थान तक पहुंचने के लिए जैसे आपको यहाँ पे ये ऐसी सीढ़ियां दिख रही है ना, ये सीढ़ियां दिख रही हैं, सेम ऐसी सीढ़ियां, जैसे मान लीजिए अपनी एक सभा हो गई है, ठीक है, ये अपनी पहली सभा हो गई, तो इसके बीच में यहां पर एक छोटा सा दरवाजा होता है और उसके अंदर ये सीढ़ियां बनी रहती हैं। कितनी, जैसे यहाँ पे 8 सीढ़ियां है ना, बस उनकी थोड़ी लंबाई कम हो जाती है और सीढ़ियां वैसी की वैसी रहती हैं, ऐसी 8 सीढ़ियां रहती हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा करके आया और उसने देखा कि मेरी सभा ये है, तो इन सीढ़ियों से उतर कर वो अपनी इस सभा में आकर बैठ जाता है। और मनुष्य की कौन सी सभा होती है, मनुष्यों की 11वीं सभा होती है और स्त्रियों की 3री सभा होती है। कौन सी 3री, जिसमें आर्यिका श्राविका आदि बैठते हैं, कहीं कहीं पे स्त्री सामान्य का भी मिलता है। तो वहां पे 3री सभा में आर्यिकाएं वगैरह बैठती हैं और 11वीं सभा में यहाँ पे मनुष्य बैठते हैं और पहली सभा में मुनिराज बैठते हैं। तीन अपने लिए मुख्य हैं क्योंकि बाकी तो सब देव हो गए हैं, उनको जाने दो, अपने प्रयोजनभूत अपन तो देखेंगे, ठीक है। अपने प्रयोजनभूत तीन ही हैं, मुनिराज हैं, स्त्री और पुरुष हैं। तो पहले में यहाँ पे मुनिराज बैठेंगे, तीसरे में आर्यिका श्राविका या कहीं कहीं पे स्त्री का भी मिलता है तो स्त्री भी कह देते हैं अपन, तो स्त्री बैठेंगी। और इस 11वीं सभा में यहाँ पर यहाँ मनुष्य बैठते हैं, चक्रवर्ती जितने भी सब आते हैं वो यहाँ पे ही इस 11वीं सभा में आके बैठते हैं। अब कोई भी आए बैठेगा कैसे, सबसे पहले परिक्रमा लगाएगा, उसके बाद सीढ़ियों से उतरेगा, उसके बाद अपनी अपनी सभा में आके बैठ जाएगा। जगह बहुत छोटी रहती है, फिर भी ऐसी दिक्कत नहीं आती कि यार आप मुझे धक्का दो, आप मुझे धक्का दो, सब आराम से आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अब हम इन सभाओं में आके अच्छे से बैठ चुके हैं, अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया है, बस अब भगवान को देखना है कि भगवान हमें कैसे दिखाई देने वाले हैं, हम जहां से देखने वाले हैं भगवान कितने ऊपर हैं, भगवान के आजू बाजू क्या क्या है। और आपने तो अब तक ऐसा सुना होगा कि अकेले हमें भव जो 3-7 भव दिखाई देते हैं वो केवल भावमंडल में दिखाई देते हैं, पर इसके अलावा भी भव समोषण में 3 स्थानों पर दिखाई देते हैं। अब वो भी अपन आगे समय मिलेगा, अवसर मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा ये विशाल समोषण रहता है और 8वीं भूमि हम बैठ चुके हैं और आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी ये आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जैसे आपने जब समोषण की रचना दिखाई थी और आपने सबसे पहले जो पृथ्वी वाला बताया था कि धरती से 5000 धनुष ऊपर होता है, ठीक है, तो उस समय पे एक था कि जैसे हमारे पूरे आसपास, लाइक हम लोग तो ऑलरेडी जैसे बोलते हैं हम लोग आकाश द्रव्य में ही है, हमारे आसपास सब आकाश द्रव्य है, तो हम लोग कहाँ से, मतलब हमें कैसे डिफाइन करना है कि ये धरती है और फिर ये आकाश है और वहां से, मतलब उसको अलग कहाँ पे करते हैं। हाँ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने कहा कि हम पहचानेंगे कैसे कि समोषण कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू होगा। तो अपन को अंदाजा ऐसे पता चल जाता है, जैसे मैंने ये घड़ी ली और यहाँ पे ये है, अपन को आराम से दिख जाता है कि ये इतना गैप है, भले पूरा आकाश द्रव्य है फिर भी अपन को दिख जाता है कि इतने गैप से ये शुरू हो रहा है। तो वैसे ही जमीन से एक हाथ ऊपर से ये समोषण की रचना शुरू हो जाती है और ये 5000 धनुष मोटी रहती है, फिर उसके ऊपर ये सारी भूमिया वगैरह रहती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि धरती और समो शरण उसके मतलब आकाश द्रव्य तो सब जगह पे है, मतलब समो शरण के आसपास भी हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि आकाश द्रव्य वहां पर भी है। हाँ, आकाश द्रव्य तो संपूर्ण जगह है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बस और किसी का प्रश्न आप में से? जय जिनेन्द्र, मुझे एक क्वेश्चन है। जो हमने ये महाविथि आपने बताई ना, तो महाविथि से हम हर एक भूमि में कैसे जाते हैं? महाविथि से डायरेक्ट हम जा सकते हैं क्या आगे कि भूमि में होके जाते हैं? नहीं नहीं, अपन सीधे भी जा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये महाविथि अपनी, ठीक है, अपन यहाँ पर है और गंधकुटी यहाँ पर है, अपन ऐसे अगर इस पे सीधे चलते जाए तो भगवान के पास तक आ सकते हैं। पर जैसे महाविधि है ना, इसके साइड में ऐसी भूमियां निकली हुई हैं, साइड साइड में। अगर अपना मन भटका तो यहाँ भूमि में से साइड वाली भूमि में चले जाएंगे और आगे जाकर किसी भूमि में चले जाएंगे। और त्रियंज का बैठेंगे, त्रियंज का बैठेगी, त्रियंजों की सभा होती है, त्रियंजों की बाहरी सभा होती है, मनुष्य के बाजू में, मतलब आखिरी सभा, आखिरी सभा। और किसी का प्रश्न? भैया जी, आपने जैसे मानसतम का बोला था, तो मुझे जैसा मैंने समझा है कि जैसे हम लोग ने चार द्वार है, तो चार द्वार के ऊपर ही मानसतम होंगे, मीन्स वहां पे चार मानसतम भी होने चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मानसतम द्वारों के ऊपर नहीं होते हैं। आपके यहाँ डबल मोबाइल किसी के यहाँ चल रहा होगा तो आवाज रिपीट हो रही है। हाँ देखिए, द्वारों के ऊपर वो मान स्तंभ नहीं होता है, आपने सुना होगा, पर यह पूरा आगम प्रमाण के आधार पे, जितना भी मैंने बताया है पूरा आगम प्रमाण के आधार पे है कि गेट के आगे चल के हम मान स्तंभ को देखते हैं। मतलब गेट के अंदर नहीं होता है, गेट के ऊपर नहीं होता है, गेट के आजू बाजू नहीं होता है, गेट के सामने और महाविथि के वो पहली भूमि के बाजू में एकदम बीच में वहां पे समोसा रखा रहता है। तो इसका मतलब ये कि हर एक जो भूमि वाला आपने बोला था कि गेट होते हैं और मुझे दूसरा नाम नहीं आता है, तो कोट और दीवार जो भी आपने बोला था, हाँ, तो उसके आगे होना चाहिए ऐसे। हाँ, पर गेट पे नहीं, पर अंदर जाने के बाद। हाँ, अंदर जाने के बाद गेट के सामने। हाँ, अंदर जाने वो के चार होंगे या हर एक भूमि के आगे होंगे, मेरा क्वेश्चन वो है। हाँ, चार होंगे, मतलब हर एक दिशा में एक एक, हर एक भूमि के सामने, हर एक दिशा में एक एक, पर हर एक वो भूमि के बाहर नहीं, पर पूरे वो जो पूरा रास्ता जाता है वहां पे एक। आपकी आवाज, हाँ अभी आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी, आप रिपीट करेंगे आपका आंसर? किसी को प्रश्न? देखिए, जो चार मान स्तंभ होते हैं हर एक दिशा में एक एक मान होता है, तो टोटल चार मान स्तंभ होते हैं। ठीक है भैया जी, चलिए और किसी को प्रश्न? तो जय चंद्र, तो सेकंड भूमि के पार दूसरा मान स्तंभ नहीं है ना? हाँ, दूसरी भूमि के बाजू में नहीं है, केवल पहले भूमि के बाजू में ही है। ओके, थैंक यू। और किसी को? चलिए, जो इसके संवत्सरण में जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, हाँ, तो उस सीढ़ियां के आसपास में, सीढ़िया के दोनों आसपास में वो तो खाली जगह है ना, कि वहां पे वो मतलब आपने जैसे बताया कि उसकी थिकनेस जो 5000 धनुष बताई आपने, तो 5000 धनुष तो ऊंचाई पे है, मतलब वहां पे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो संवत्सरण की ऊपर जगह जहाँ पे ये 8 भूमियां है, वही समसरण का हो गया ना? आता है जो बेस है 5000 धनुष मोटा,
वो बेस है और ऊपर की भूमिया, इस पूरे को मिला के समोषण कहते हैं। और जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां इस बेस के बाजू में है, मतलब समोषण के ऊपर वो सीढ़ियां नहीं है, बेस के बाजू में है वो सीढ़ियां। जैसे भारेली जी बेस के बाजू में पूरी वो बीस है। जैसे भारेली जी ने बताया था कि जो इतनी मतलब 20,000 सीढ़ियों के ऊपर जो समोषण की रचना होती है आठ भूमि की, जिससे नीचे जो जो भी है मतलब हाँ। जो पेड़ पौधे हैं जो भी है तो उसी किसी को बाधा नहीं पहुंचती है, इसलिए समोषण जो वाकई में जो समोषण है आठ भूमिया वो जमीन से 30,000 फीट ऊपर बनी हुई है। ये तो सिर्फ सीढ़ियां सीढ़ियां जाने के लिए अपना अपना 20,000 जो उतना जगह मतलब उतनी ऊंची। हाँ मैं समझ गया, मतलब आपका प्रश्न ऐसा है कि हमने अब तक ऐसा सुना है कि जो समोषण होता है वो यहाँ से तो खाली होता है केवल 20 ये ऊपर तक होता है, बीच में कुछ नहीं होता और अकेले यहाँ पे सीढ़ियां होती हैं ऐसी। हाँ। इसी चीज का मतलब ऐसा हमने मात्र सुना है, पर आगम में अगर अपन ढूंढते हैं तो बीच का स्पेस खाली नहीं है, ये बीच का स्पेस 5,000 धनुष मोटा है और पृथ्वी से मात्र एक हाथ ऊपर है। यदि आपको देखना है तो त्रिवे पणत्ति में वहां पे स्पष्ट ऐसा लिखा है कि ये जो बेस होता है इसको स्कंद नाम दिया है, वहां पे ये स्कंद कहलाता है, ये स्कंद 5,000 धनुष मोटा है और पृथ्वी से एक हाथ ऊपर होता है। मतलब लेकिन लेकिन जो 12 योजन में से पहले जब 12 योजन में समोषण की फैलाव रहता है, 12 योजन में फैला हुआ है ना समोषण, डायमीटर है ना डायमीटर, वो डायमीटर 12 योजन का है। हाँ तो कहने का मतलब कि 12 योजन की जो ऊपर जो जो आठ भूमियां बनी हुई है उसके नीचे जो 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 नीचे का भाग होगा वो भी तो 12 योजन हो गया ना नीचे भी। हाँ जैसे आपने सिलेंडर बताया सिलेंडर नीचे वाला ही होगा, नहीं वो वहां देखने में आपको दिख रहा हो मतलब दिखाने में ऐसा हो गया होगा, पर वो नीचे भी ऐसा 12 योजन डायमीटर वाला पूरा गोल आता है वो, मतलब जो बेस है ना वो बेस भी पूरा 12 योजन डायमीटर वाला गोलाकार ही है। कि वो 12,000 योजन के अंदर नीचे भी जो भी जो भी रचना पहले बनी हुई होगी, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, कुछ भी है और शहर लगा हुआ है मतलब टाउन लगा हुआ है, हाँ हा। कुछ भी है तो वो फिर समोषण के नीचे हाँ आ जाते हैं क्या? हाँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि जब समोषण मात्र एक हाथ ऊपर है और इतना मोटा बेस है तो नीचे का टाउन वगैरह वृक्ष वगैरह सब नष्ट हो जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो देव की विक्रिया है और उस विक्रिया के कारण किसी को नुकसान नहीं होगा, वो उनकी ऐसी रचना होती है, अपने ज्ञान गम्य नहीं है आखिर होता क्या होगा, इतना समझे कि उनकी ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं, उनका ही ऐसा महात्मा है कि जिसके कारण किसी को कोई अड़चन नहीं होती है, किसी को परेशानी नहीं होती है। ठीक है बहुत सुंदर, हमने भी ऐसे बहुत सारे बिंदु ऐसे सुन रखे हैं कि जो जब पढ़ा तो एकदम विरोधाभास सा प्रतीत हो रहा है। अभी तो मैंने आपको 3-4 चीजें ही बताई हैं, अगर एक एक चीज का वर्णन हम करें तो हर एक चीज में ऐसी नई नई विरोधाभास चीजें मिलेंगी, क्योंकि क्या है जगत में तो अकेला चर्चा करने को लग जाते हैं, एक सुनी तो उसको कहने लग जाते हैं, अध्ययन कम करते हैं इसलिए ऐसा होता है। पर अभी मैंने आपको जितनी भी बात बताई पूरी आगम के आधार से बताई है और एक एक प्रमाण के साथ बताई। इस बुक के अलावा कोई ऑडियो एक्सप्लेनेशन है क्या? मतलब बुक रीड करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो कोई कोई सीडी मतलब यूट्यूब में कोई है कोई प्रवचन वगैरह कुछ समोषण के बारे में डिटेल में जानने के लिए? हाँ, इससे पहले समोषण विषय पे क्लास हुई थी मेरी, 15 क्लास हुई थी, पर वो रिकॉर्ड हुई थी मेरे ख्याल से, वो होंगी या नहीं होंगी ख्याल में नहीं है, पर इसके ऊपर एक बुक भी है, अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब एक एक चीज को अच्छे से समझा रखा है, पूरे चित्र उसमें है। कौन सी बुक है ये? समोषण रचना वर्णन। थैंक यू, मतलब मैंने ही लिखी है इसको अभी।
ओके हाँ, और किसी का प्रश्न? चलिए अभी विराम देते हैं, अंतिम मंगल पढ़ लेते हैं अपन। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयि मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।